हेलो दोस्तों, आदि का मम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की की एक टेस्टी सी चाट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी है। तो चलिए ये टेस्टी सा चटपटा जो चाट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आलू टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के आलू लिए थे। मैंने उसको अच्छे से बॉयल करके और मैंने इसको छील के और ऐसे मैंने मैश कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। उसमें जो थोड़ी सी भी है गुठलियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूंगी यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करूंगी। दोस्तों आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप यहाँ पे अरा रोट का भी यूज कर सकते हैं। अगर अरा रोट भी आपके पास नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में भी बहुत इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब सारी चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से हमको एकदम मिक्स करना है इसको। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसकी हम टिक्किया बना लेंगे। दोस्तों टिक्किया बनाने के लिए थोड़ा सा हम अपना हाथ को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसके टिक्किया जो है वो हम थोड़ी बड़ी साइज का ही बनाएंगे और ऐसे ही हमको बनाना है। अब जिस साइज की चाहे उस साइज की बना सकते हैं, छोटी बड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सारी जो टिक्कियां हैं वो रेडी है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब मैंने गैस पे नॉनस्टिक का तवा रखा है, किसी भी तवा का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी, यहाँ पे 2 टेबल मैं ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। जैसे मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमको इसको बनाना है। तो यहाँ हम एक एक करके इस पे रखेंगे। ऐसे करके हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे और ये देखिए सब हो गया। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इसको दूसरी साइड नहीं पलटेंगे। और जब तक ये पक रहा है तब तक हम मसाला देख लेते हैं। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी ली है, इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है। यहाँ पे दही लिया है मैंने, दही में मैंने 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक मैंने इसको डाला है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और ये हरी चटनी है और इसकी भी रेसिपी मैंने डाल रखी है, दही की हरी चटनी। बारीक कटा हुआ टमाटर है, बारीक कटा हुआ प्याज है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेब लिया है। आपके पास अगर नमकीन है तो आप नमकीन का यूज कर सकते हैं और अगर आपको मन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मसालों में यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीरा मैंने अच्छे से भून के उसको ग्राइंड कर दिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक मिला लिया है। यहाँ पे हरी धनिया बिल्कुल बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है। लाल मिर्च पाउडर ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्केप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा हमको चटपटा बनाना है। चाट जो है सर चटपटा रहता है तब भी अच्छा लगता है, तो हम लाल मिर्च का यूज करेंगे। तो अब इसको हम दूसरी साइड से इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर जो है वो आ गया है। तो ऐसे ही करके हम सबको पलट लेंगे। और ये देखिए अब देखने से लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी है। तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमारे मसाले जो है वो टिक्की का इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से हमारी टिक्की जो बन जाए, तो हमारी टिक्की भी जो है वो भी लगभग रेडी है। बस थोड़ी नीचे से ये गोल्डन हो जाए फिर हम इसको निकालेंगे खाने के लिए। ये देखिए अच्छे से अभी सारे जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकालेंगे।
यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से निकाल लिया है, सारे प्लेट पे निकालेंगे। यहाँ पे मैं दो लगा रही हूँ, आप एक लगा सकते हैं। सबसे पहले से हम दही डालेंगे, इसके बाद ये हरी धनिया की चटनी, टेस्टी सा आपको स्पाइसी सा हमको बनाना है एकदम चटपटा। अब हम डालेंगे ये इमली की चटनी, थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज, और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम इसको हाथ से ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से पकता है और खाने में टेस्ट लगता है। अगर आप स्पून से डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं पकता है, एक ही जगह कहीं ज्यादा और कहीं कम हो जाता है। और ये आप चाट मसाला, ये जीरा और ये काला नमक, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी धनिया के साथ ये जो हमारा टेस्टी सा जो चाट है वो बन के रेडी है। तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूंगी। ओके, थैंक यू।